घर का चप्पा चप्पा छान मारा, इसको बेहोश भी कर दिया, लेकिन अभी तक तालिस्मान नहीं मिला। मुबारक हो, हम अपने मकसद में कामयाब हो गए। मिल गया मैं तालिस्मान। अब हमें फौरन अपने आका खबीस को ये तालिस्मान दे देना चाहिए। जाओ। अपनी खिदमत में पहले हमें एक जाम पिलाओ। जाम पिला। रुको, कौन हो तुम और ये तुम्हारे हाथ में खंजर क्या कर रहा है? इंसान की जिंदगी में जब मुश्किलें आए और चारों तरफ बचने का कोई रास्ता ना हो तो सिर्फ एक ही चीज इंसान के काम आती, चालाकी। खिदमतकार है बैसा, खिदमतकार। क्या है ना कि तुम बेवकूफ हो। तुम्हारे सख्त नानों को अपने खंजर से काट रहा है। खंजर से भी नहीं कट रहे। रुको, हम तुम्हारी मदद करते हैं। माशाल्लाह, निहायत ही मुलायम और नाजुक हाथ है तुम्हारे खिदमत का। इतने मुलायम और नाजुक कि हमें किसी की याद आ गई। मामूजान, मेरी भांजी शहजादी मरियम के भी बिल्कुल ऐसे ही हाथ थे। जैसे तुम्हारे हो गया चूहे बिल्ली का खेल। तो जो कोई भी है मेरे सामने आ जा।
क्या खाना खिलाओगी तुम्हें नाजुक हाथों से? फैजाद, अगर ऐसी ही खिदमत करनी है तो ले जाओ ये खाना, और आइंदा तकल्लुक मत करना हमें यहां बुलाने की। ये नाजुक हाथ हमारे लिए क्या खाना बनाएंगे? हमें खूंखार बनना है फैजाद, सुल्तान सद्दाम खूंखार। ले जाओ। रहबर, हमने सब जगह पता किया लेकिन शहजादी का कोई सुराग नहीं मिला। शहजादी नहीं मिली तो उस जादूगर लड़के को ढूंढो, वो परवाज में ही है। जाओ। इन सारे लोगों के बीच सद्दाम को मार पाना मुमकिन नहीं है। हमें जल्दबाजी में कोई गलत फैसला नहीं लेना चाहिए। अगर ये बच गया तो फिर इसे मारने का दूसरा मौका नहीं मिलेगा हमें। नहीं नहीं, हम नहीं खा सकते ये सब कुछ। ले जाओ और हम भी चले बेजाद। सद्दाम को खत्म करने की कोई और तरकीब सोचनी होगी। अगर वो नशे में नहीं होते तो आज हम पकड़े जाते। हमें जज्बाती होकर कोई गलत कदम नहीं उठाना चाहिए। बहुत बड़ी गलती की है तूने यहां आकर। अब तू यहां से जिंदा वापस नहीं जाएगा। अपने जज्बात पर काबू रखा ले। अगर तुझे जानना है कि इसने बच्चों के साथ क्या किया है, तुझे इसे जिंदा पकड़ना होगा अली। परवाज में तेरी इस रोशनी के सिवा मेरे असली चेहरे का राज कोई नहीं जानता। चांद की रोशनी पड़ते इसका चेहरा बदल गया। ये तो 40 चोरों में से एक है। चालीस चोर खुद तुझे ढूंढते हुए तेरी जिंदगी में आएंगे। मैं छोटे बच्चों का कोई भी इलाज कर सकता हूँ, और कोई दवाई पिला के नहीं बल्कि जादू से। ये तो 40 चोरों में से एक है, पर ये भेस बदल के परवास में क्या कर रहा है, और बच्चों को इस्तेमाल करके कौन सा मनसूबा पूरा करना चाहता है ये? तुम्हें कोई नहीं बचा सकता इमाद, ना नीचे वाला अली ना ऊपर वाला अली। इस छोटे से बच्चे में इतनी ताकत कहां से आ गई?
एक इंसान ने मेरा रास्ता रोक लिया है, मेरी मदद कीजिए। बाहर कोई मेरे जादू से बने बच्चों के शैतानी आंख को रोक रहा है। ये कोई बड़ी साजिश है। अगर बच्चों के गायब होने के पीछे 40 चोर हैं तो अगर 40 चोर बच्चों को शैतान बना रहे हैं तो मुझे हर हाल में बच्चों को बचाना होगा। सारे बच्चे मुझे मारने क्यों आ रहे हैं? ये कैसी शैतानों की फौज इकट्ठा कर ली मानते हैं? ये सारे बच्चे मेरी मर्जी के बिना यहाँ इकट्ठे कैसे हो गए? कुछ तो गड़बड़ है। ये सब तेरे जादू का कमाल है मेरे नायक। तेरे जादू से ही मैंने उन बच्चों को परवाज की गली गली में भेज दिया। अब कोई रोक नहीं सकता उन्हें। तो इसी की वजह से बच्चे शैतान में तब्दील हो रहे हैं। अगर इस नायाब की बदौलत ही कोई जादू कर रहा है तो मुझे इसे तोड़ना होगा। ये बच्चे तो तभी गायब हो सकते हैं अगर मेरे नायाब को, मेरा नायाब। ये बच्चे गायब कैसे हो गए? कैसा शैतानी मंजर था ये? यहाँ आया था और वो कुछ बैठिया कोई और नहीं बल्कि वो जादूगर था। उसने सबसे पहले मेरे मंसूबों के बारे में पता किया और फिर उन बच्चों को एक जगह इकट्ठा किया और फिर मेरे नायाब को तोड़ दिया उसने। कैसे, इतनी बड़ी गलती कैसे हो सकती है मुझसे? सद्दाम हमारे सामने था और हम उसे नहीं मार पाए, लेकिन कब तक किस्मत आपका साथ देगी सद्दाम? कब तक? ये तो वही लड़का है जिसने मुझे कमरे में बंद किया था। तू वही है ना जिसने मुझे कमरे में बंद किया था? पता पता क्यों किया था वरना? शिवाजान 40 चोरों में से एक है ये तो पता चल गया। बस अब ये पता करना है कि इसके मंसूबे क्या है। यहां पे कैसे आया?
हमारे बच्चे नहीं मिल रहे हैं। कोई हमारी मदद नहीं देखा है तो हमारी मदद करे। अल्लाह अब तो अल्लाह का वास्ता है, हमारी मदद करे। मेरा बच्चा गायब हो गया साहब, मेरा बच्चा बहुत छोटा है साहब, मेरे बच्चे को ढूंढो साहब, मेरे बच्चे को। मेरा बेटा अभी थोड़ी देर पहले मेरे सामने खेल रहा था, अभी अचानक रेत की तरह कहीं गायब हो गया है। जनाब मेरा बच्चा सुबह से गायब है, मेरे बच्चे को ढूंढो जनाब, हमारी मदद करें जनाब, हमारे बच्चे को ढूंढो। परवास में इतने सारे लोगों के बच्चे कहाँ खो गए? जरूर 39 चोरों की करामात है। आप हिम्मत ना हारिए और हौसला रखिए, आपके बच्चों को कुछ नहीं होगा। कैसे हिम्मत ना हारे, छोटा बच्चा है हमारा। ये सब क्या हो रहा है, परवास में इतने सारे बच्चे एक साथ गायब कैसे हो सकते हैं? ये सब कुछ उस शिफाजान का किया धारा है, अगर उसकी सच्चाई मैंने नहीं बताती तो पूरे परवास में दहशत का माहौल हो जाएगा। उनके माँ बाप तो इसी गम में मर जाएंगे कि उनके बच्चों को 40 चोर उठा के ले गए। अली ये सब क्या हो रहा है, इतने सब लोगों के बच्चे गायब कैसे हो रहे हैं? तुम दोनों यहाँ पे क्या कर रहे हो? और अलीफी माँ तो गुलरेज कहाँ है? पापा गुलरेज को बहुत डर लग रहा था, इसलिए हमने उसको दादी के पास सुला दिया। अलीफी और इमान? पापा वो दोनों गायब हो गए। गायब हो गए मतलब? हाँ बाबा, वो दोनों हमारे साथी थे लेकिन दोनों बहुत अलग लग रहे थे, ऐसा लग रहा था जैसे वो हमारे अलीफी और इमाद है ही नहीं। अलीफी क्या बोल रहे हो? हाँ बाबा, वो दोनों बहुत अजीब हरकतें कर रहे थे, दोनों को हर बात पर गुस्सा आ रहा था। अपने सवालों से बार बार तंग मत करो हमें, वरना तुम्हें भी नाजिया भाभी के साथ सुला दूंगी। और उनमें बहुत ताकत भी आ गई थी। मुझसे उलझने की कोशिश भी मत करना, अपना हाथ उखड़ कर दूसरे हाथ में पकड़ा दूंगा। लीफी ने नाजिया भाभी को एक हाथ से मारकर बेहोश कर दिया था। ये सब आपको बताने के लिए मैं आपका इंतजार कर रहा था बाबा, पर इससे पहले आप आते वो दोनों गायब हो गए। तो बाबा तब से हम उन दोनों को ढूंढने की बहुत कोशिश कर रहे हैं पर वो मिले ही नहीं। कहीं मेरी अलीफी और इमाद पर भी तो कोई शैतानी जादू नहीं कर दिया उन 40 चोरों ने? पता नहीं मेरे बच्चे जिंदा भी। बाबा अली आप जानते हैं बच्चे कहाँ हैं? अली क्या आप जानते हैं कि अलीफी इमाद और बाकी के बच्चे कहाँ हैं? बताइए ना अली। मुझे मेरे बच्चों को ढूंढना होगा, फिर चाहे उसके लिए मुझे 40 चोरों से मुकाबला ही क्यों ना करना पड़े।